हे गाइस, वेलकम टू माय विमला देवी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, सपने में पकी हुई फसल देखना या फिर कच्ची फसल देखना या फिर कटते हुए फसल को देखने का क्या मतलब होता है। जी हाँ, यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी ड्रीम है जिसका मीनिंग आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका मीनिंग बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, यदि हमें स्वप्न में पकी हुई फसल दिखाई देती है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में अभी तक जो आपने संघर्ष किए हैं, जो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई योजना बनाई है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यानी ये कहिए कि अब आपको फल मिलने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा ढूंढ रहे हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो अब आपका सही समय है, उचित समय है, अब आप ये कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि आप सपने में फसल को कटते हुए देखते हैं, ये देखते हैं कि फसल पक कर के तैयार हो गई है और अब उसे कोई काट रहा है या फिर आप खुद काट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फल की प्राप्ति हो गई है। यानी आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि आप देखते हैं सपने में कि आपको फसल तैयार हो गई है और वो कुछ अभी तैयार होना बाकी है, तो इसका मतलब है अभी कुछ समय लगेगा आपको फल मिलने में। 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 6 महीने आपको किसी फल की प्राप्ति होने में टाइम लगेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।